एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कंफर्म करेंगे एक बार वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? प्रणाम, गुड मॉर्निंग साथियों। वॉइस क्लियर है साथियों? आवाज आ रही है? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? चलिए, तो कल हम लोगों ने 2013 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करना प्रारंभ किया था और हमने 50 सवाल कर लिए थे पहली वाली क्लास में। कल हमने 50 सवाल किए थे 2013 के पेपर के। आज भी हम लोग कुछ क्लास करेंगे, कुछ कल करेंगे, कल आपको कंप्लीट हो जाएगा। पहला सवाल हम लोग देखते हैं आज का। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्राक ने, फ्रेंच मार्क ने, सोगाल ने या सेजा ने? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? फ्रेंच मार्क ने। किसने? फ्रेंच मार्क ने चित्रित किया है। दूसरा सवाल देखेंगे। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। मंजीत बावा, गणेश हलोई, ए रामचंद्रन या लक्ष्मा गौड़? उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। मंजीत बावा, गणेश हलोई, ए रामचंद्रन या के लक्ष्मा गौड़? तो ये आती चित्र श्रृंखला किसका है साथियों? ये रामचंद्रन का है। किसका है? ए रामचंद्रन का है। 1986 में इन्होंने इस म्यूरल को बनाया था और ये इनका मास्टरपीस जो है माना जाता है। तीसरा सवाल देखेंगे। मारियो मिरांडा हैं कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, डिजाइनर या टाइपोग्राफिस्ट? मारियो मिरांडा हैं। मारियो मिरांडा हैं। तो मारियो मिरांडा क्या थे? ये कार्टूनिस्ट थे। इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है सन 2011 ईस्वी में। ये क्या है? एक कार्टूनिस्ट थे, ठीक है ना, कार्टूनिस्ट। आगे बढ़ेंगे। किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है, किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है फोरेज, वाल, स्टिचिंग या स्पाइन? किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है। किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है। हाँ सही, हाँ सही क्या हो जाएगा साथियों?
ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, स्पाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मुगल चित्रकला विकसित हुई बाबर के समय में, अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में या हुमायूं के समय में? मुगल चित्रकला विकसित हुई, मुगल चित्रकला विकसित हुई। तो साथियों, सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर, बाबर के पास इतना समय नहीं था कि वो कला को दे पाए, हालांकि उसकी रुचि जरूर थी। उसके बाद में आया हुमायूं। हुमायूं को आप जानते हैं कि इसकी सत्ता हमेशा लड़खड़ाती रही। हुमायूं के बाद में आए अकबर। अकबर का शासन बहुत ही स्टेबल था, हाँ बहुत ही स्टेबल था, और कला का वास्तविक विकास जो हुआ वो अकबर के समय में ही हुआ है। तो इसीलिए अकबर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अकबर। अकबर के समय में वास्तव में जो है मुगल चित्रकला प्रारंभ हुई है। अब जो मुगल चित्रकला है साथियों, ये कोई स्वतंत्र शैली नहीं है। मुगल चित्रकला स्वतंत्र नहीं है, ये ईरानी शैली और प्लस हिंदुस्तानी शैली का क्या है? मिश्रण है। ईरानी और हिंदुस्तानी शैली का क्या है? मिश्रण है। और इसमें आप यूरोपीय भी जोड़ सकते हैं। अकबर के टाइम पर इसमें यूरोपीय जो है पुट देखने को मिलने लगे थे, विशेषकर पुर्तगाली प्रभाव जो है देखने को मिलने लगा था। तो ये तीनों मिल करके जो है मुगल जो है शैली को बनाती है, और मुगल शैली एक तरीके से मिश्रित शैली है। क्या है? मिश्रित शैली है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया, मदन लाल नागर, बद्रीनाथ आर्या, यामिनी रंजन राय या ललित मोहन सेन? वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये लोक कला के बहुत ही बड़े कलाकार माने जाते हैं। इन्होंने शुरुआत में वास पढ़ना शुरू किया था। ये उसी कालखंड के हैं जिस कालखंड के नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हालदार हैं, जितेंद्रनाथ मजूमदार ही उनके समकालीन हैं। यामिनी राय का जन्म हुआ था 1887 में और इनकी मृत्यु हुई है साथियों 1972 ईस्वी में। तो उसी कालखंड के बीच में ये भी थे। इन्होंने भी शुरुआत में वास पढ़ना प्रारंभ किया कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, लेकिन इनकी रुचि जो है लोक कला में थी, तो इन्होंने वहां की पढ़ाई छोड़ दी और लोक कला में जो है चले गए, और लोक कला के बहुत बड़े कलाकार ये बने। इसीलिए इनको भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा जाता है। भारत का राष्ट्रवादी कलाकार इनको महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था, एम के गांधी ने कहा था इनको, क्या कि ये भारत के राष्ट्रवादी कलाकार हैं और भारतीय कला के पैगंबर भी इनको कहा जाता है। भारतीय कला के पैगंबर यानी कि मैसेंजर ऑफ इंडियन पेंटिंग। तो इंडियन पेंटिंग के मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, ठीक है ना इसके। और ये इनको दिया है नाम पश्चिमी के कलाकारों ने, पश्चिम देश के कलाकारों ने इनको ये नाम दिया। इसके अलावा देखेंगे यामिनी राय जो है इनकी तुलना पिकासो से भी की जाती है। इनकी तुलना पिकासो से भी की जाती है, पिकासो से तुलना एम एफ हुसैन की जाती है। इसके अलावा यामिनी राय की भी जाती है, ठीक है ना। यामिनी राय की पेंटिंग की जो मुख्य शैली है उसमें टेम्परा जो है सबसे ज्यादा रहा है। तो इन्होंने ज्यादातर जो चित्रकारी किया है उसमें किया है टेम्परा माध्यम में किया है। सबसे पहले पद्म भूषण भी इनको ही मिला था, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले पद्म भूषण कलाकार के रूप में यामिनी राय को ही मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण या अभिलेख? पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है?
सही क्या हो जाएगा साथियों? गुफाओं में उकेरे गए चित्र। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। आगे बढ़ेंगे। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, कोरिया या थाईलैंड? हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? जापान। जापान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? हिंदी में लिखेंगे आलू भच्छी, ठीक है ना? आलू भच्छी किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग का है, पॉल गॉगिन का है, कैमिले पिसारो का है या क्लॉड मोने का है? द पोटैटो ईटर्स किसका चित्र है? हाँ, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग का है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, विंसेंट वान गॉग। विंसेंट वान गॉग क्या है? उत्तर प्रभाववादी कलाकार है। उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं विंसेंट वान गॉग। इन्हीं का चित्र है क्या? पोटैटो ईटर्स। इनके अन्य चित्रों में क्या है? तारों भरी रात। तारों भरी रात इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। इसके अलावा गेहूं के खेत में कौवे, गेहूं के खेत में कौवे, ठीक है ना? डॉक्टर गचट, डॉक्टर गचट का व्यक्तिचित्र, ठीक है ना? सूर्यमुखी का फूल, सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 19 अगस्त को, 14 नवंबर को या 7 दिसंबर को? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाँ, इनकी कला से अभिव्यंजनवाद को प्रेरणा मिली है, बिल्कुल ठीक बात है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 19 अगस्त, 14 नवंबर या 7 दिसंबर? सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 अगस्त को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 19 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 11। अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? भारत, इटली, जर्मनी या फ्रांस? अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ साथियों? जर्मनी में हुआ। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। इसके कर्ता धर्ता कौन बने? एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक जो है इसके जो है अगुआ, नेता, कर्ता धर्ता, पितामा, जो भी कहना चाहे, एडवर्ड मुंक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सित्तनवासल गुफा कहाँ है? सित्तनवासल गुफा कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? सित्तनवासल गुफा कहाँ पर है? सित्तनवासल गुफा कहाँ पर है? तो सित्तनवासल कहाँ पर है साथियों? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सित्तनवासल गुफा का संबंध किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से इसका संबंध है। यहाँ पर भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। क्या? भित्ति चित्र जो है प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। छपाई कला की खोज हुई थी इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में
या भारत में छपाई कला की खोज हुई थी? छपाई कला की खोज हुई थी। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छपाई कला की खोज सुन छान सू में हुई थी। चाइना में हुआ था, चीन में, ठीक है ना। कब हुआ था? 220 ईस्वी के आसपास छून छान छू चाइना में छपाई कला की खोज हुई थी। मतलब चीन शब्द आते ही कुछ इस प्रकार का भाव मन में आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रख्यात चित्र गवर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवास पर तैल रंग, टेम्परा या मिश्रित माध्यम में? प्रख्यात चित्र गवर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवास पर तैल रंग, टेम्परा या मिश्रित माध्यम? प्रख्यात चित्र गवर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैनवास पर तैल रंग में। गवर्णिका किसने बनाया है? चच्चा ने, पाब्लो पिकासो ने। पाब्लो पिकासो ने गवर्णिका बनाया है। कब? 1937 में। कहीं कहीं पर 36 भी लिखा मिलता है, विवाद मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। वर्तमान में ये कहाँ पर सुरक्षित है या संरक्षित है? रैना सोफिया म्यूजियम स्पेन में। रैना सोफिया म्यूजियम मैड्रिड स्पेन, वर्तमान में यहाँ पर ये सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पंडित मदन मोहन मालवीय, राय कृष्ण दास, आनंद कृष्ण दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राय कृष्ण दास, कला समीक्षक राय कृष्ण दास। इनकी इसमें प्रमुख भूमिका थी साथियों, और इनको इसका पहला निदेशक भी बनाया गया था। भारत कला भवन वाराणसी का पहला निदेशक किसको बनाया गया था? राय कृष्ण दास को। इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रवींद्रनाथ टैगोर को। किसको? रवींद्रनाथ टैगोर को इसका सचिव कहें या अध्यक्ष कहें बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, लिंगराज मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा, माउंट आबू में, ओशियान में, भुवनेश्वर में या कांचीपुरम में? लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लिंगराज टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हाँ, तो साथियों हेनरी मूर जो है ये बहुत बड़े मूर्तिकार थे।
आप लोग जानते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इंग्लैंड। वेरी गुड। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं लाल नीला हरा, लाल नीला पीला, हरा लाल पीला, हरा लाल नीला। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। एसपी एग्जाम क्रेकर करके कोई है, आवाज नहीं आ रही है, तो बाकी लोग तो नहीं कह रहे हैं। आवाज में कोई दिक्कत है क्या? आवाज में किसी को दिक्कत आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज़ ठीक है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? हैं, आपका चैट हाईलाइट हो, मैं उसको पढ़ करके रिप्लाई करूं, इसलिए कर रहे हैं क्या? ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात। ये दो बार आप बोल चुके हैं इस चीज़ को। चलिए, तो प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं साथियों, क्या हो जाएगा? हाँ, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं लाल नीला और हरा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लाल नीला और हरा। ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? लैटिन, रोमन, फ्रेंच या स्वीडिश? अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? लैटिन, रोमन, फ्रेंच या स्वीडिश? सही उत्तर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा से। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 20। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? गणेश पाइन ने, विकास भट्टाचार्य ने, मकबूल फिदा हुसैन ने, पीटी रेड्डी ने? मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? सिंपल है, किसका है ये? मकबूल फिदा हुसैन का है, MF हुसैन का है। मदर टेरेसा सीरीज किसका है? मकबूल फिदा हुसैन का है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेज मोस्टर्स नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को डी गोया, ओनियर दोमियो या रेम्ब्रा? द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर, जीव ऐंठ जाती है, हाँ, जब किसी अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखा देख करके आपको पढ़ना पड़े। बताइए किसका है साथियों? ये है गोया का, फ्रांसिस गोया। क्वेश्चन नंबर 22। मकबूल फिदा हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? लंदन में, मुंबई में, कतर में या न्यूयॉर्क में? मकबूल फिदा हुसैन का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो जन्म तो इनका आपको पता है कहाँ पर हुआ था, सोलापुर में हुआ था। फिर ये
इनको कतर की नागरिकता लेनी पड़ी थी, लेकिन मृत्यु इनका कतर में नहीं हुआ, इंग्लैंड में हुआ है। लंदन में इनकी मृत्यु हुई है साथियों 2011 में, सन 2011 में इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 23, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में या हॉलैंड में? भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? भविष्यवाद का उद्भव कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। इसका नेता कौन था? फिलिप्पो तोमासो मारिनेती। फिलिप्पो तोमासो मारिनेती। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चित्र था, बसावन का, मंसूर का, बिशन दास का या दसवंत का? मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था, चित्र नहीं चितेरा, ऐसे लिखेंगे तो सही रहे, चितेरा था, चित्र नहीं चितेरा था, चिड़ियों का चितेरा कौन था, ऐसे सवाल होना चाहिए। चिड़ियों एवं पक्षियों का चितेरा कौन था? मंसूर, बहुत फेमस था ये, ठीक है ना। मुगल शैली में जो कुछ चित्रकार हैं जिनको आपको बहुत ढंग से याद करना है, नंबर एक सॉरी बसावन नहीं, बसावन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मंसूर, दूसरा बिशन दास। सबसे ज्यादा सवाल अगर कलाकार से पूछे गए हैं तो ये दोनों लोग हैं, इन दोनों से बहुत सवाल पूछे गए हैं परीक्षाओं में। बसावन है, दसवंत है, अकारिजा, इनसे सवाल कम पूछे गए हैं, लेकिन ज्यादा सवाल किससे पूछे गए हैं? मंसूर और बिशनदास से। क्वेश्चन नंबर 25, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2, 4, 8 या 7? वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है बताइए? वेद कितने हैं? वेद हैं चार, चार वेद हैं। शास्त्र कितने हैं? 6। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद कितने हैं, या वेदांग जिसको कहा जाता है? 108 उपनिषद हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1936 में, 1928 में, 1947 में या 1954 में? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या हो जाएगा? नहीं विक्की बंदना जी, चैट हम देख रहे हैं, उस पर जानकारी आपको दी जाएगी, नाराज की कोई बात नहीं। हाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1928। क्वेश्चन नंबर 27, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर, ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्तिकार या चित्रकार? राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कनेरिया क्या है साथियों? एक मूर्तिकार है। क्या है? एक मूर्तिकार है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध एक जो है प्रतिमा है सांड, जो कांस्य माध्यम में इन्होंने बनाया है, कांस्य माध्यम में, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 28,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या बेंगलोर? सही क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में है। कहां पर है साथियों? अहमदाबाद गुजरात में है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 29, कान्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? कान्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? मद्रास, मुंबई, त्रिवेंद्रम या भुवनेश्वर? कान्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? कान्हेरी की गुफाएं कहाँ है साथियों? ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। कान्हेरी में कुल 109 गुफाएं जो है प्राप्त होती है। कितनी? कुल 109 गुफाएं कान्हेरी में प्राप्त होती हैं। कान्हेरी गुफा में ही जो है संजय गांधी नेशनल पार्क भी स्थित है, ठीक है ना? संजय गांधी नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रतिस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी किसने बनाया था? नलिनी मालिनी ने, सिबू नटेशन ने, विमान सुंदरम ने या शीला गौड़ा ने? कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रतिस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी किसने बनाया था? किसने बनाया था? विमान सुंदरम। साथियों विमान सुंदरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इनका डेथ हुआ है कुछ महीने पहले, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी ज़्यादा इकट्ठा कर लीजिए विमान सुंदरम के बारे में, ठीक है ना? चलिए, तो ये आज की क्लास में 30 सवाल थे साथियों, कल हमने 50 सवाल किए थे, तो 2013 का जो पेपर है इसके 80 सवाल हमने कर लिए, बचे हुए जो 45 प्रश्न हैं वो कल हम लोग कर लेंगे, तो हमारा 2013 का पेपर भी समाप्त हो जाएगा। एक बार हम लोग खंड वाइज करेंगे, उसके बाद में कंप्लीट भी करेंगे, उसके बाद कंप्लीट पेपर भी आपको मिलेगा। चलिए ठीक है साथियों, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।